चौरी चौरा के शहीदों के एजाज देने के लिए आज सतसाला तकरीब थोड़ी देर में इफ्तिताह करेंगे वजीर आजम मोदी। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में एक साथ गूंजेगा वंदे मातरम। अगले एक साल तक मनाई जाएगी तकरीब। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी। साबिक वजीर नावेद मियां ने रामपुर में खैर मकदम किया। नवदीप सिंह के आखिरी अरदास में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। आरएलडी लीडर जयंत चौधरी भी मरने वाले किसान के अहले खाना से करेंगे मुलाकात। रामपुर में नवदीप सिंह की रस्म दसवीं में होंगे शामिल। लाल किले पर हुए तशद्दुद के मामले में कार्रवाई और तेज। तशद्दुद फैलाने के इल्जाम में धर्मेंद्र सिंह हरमन गिरफ्तार। दिल्ली के रहने वाले हरमन पर भीड़ को उकसाने का इल्जाम। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कृषि कानून पर अमेरिका ने की हिंदुस्तान की हिमायत। दुनिया में भारतीय बाजार का बढ़ेगा दबदबा। कृषि कानून पर पूरा मुखालफत जमहूरियत की एक बानगी। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी डीटीसी बसें। महकमा ट्रांसपोर्ट ने डीटीसी को हिदायत देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा। किसान तहरीक के बहाने हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश को हिंदुस्तान के कई दिग्गजों ने दिया जवाब। हैशटैग इंडिया टुगेदर पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने लिखा, हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी से समझौता नहीं हो सकता। बीजेपी ने राहुल गांधी और रियाना पर बोला हमला। कहा राहुल रियाना रैकेट को किसानों के बारे में कुछ पता नहीं। मथुरा के हर घर का एक रुख में गाजीपुर प्रोटेस्ट में होगा शामिल। मथुरा महापंचायत में राकेश टिकैत के बेटे गौरव ने की अपील। दिल्ली से सटे हरियाणा के 5 जिलों में इंटरनेट और बल्क मैसेजेस पर रोक बढ़ी। आज शाम 5 बजे तक बढ़ाई गई रोक। पार्लियामेंट में आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल करेंगे पेश। एलएसी पर बनी कशीदगी के बीच हुकूमत ने पार्लियामेंट में दिया बयान। कहा चीन ने कई बार दरअंदाजी की कोशिश की मगर हिंदुस्तानी जवानों ने हर बार दिया मुंह तोड़ जवाब। अयोध्या में मस्जिद के लिए अलॉटेड जमीन पर दिल्ली की दो खवातीन ने किया दावा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल अर्जी पर 8 फरवरी को समाप्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरहद पार से सीज फायर की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक जवान शहीद। उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने की फायरिंग। हिंदुस्तान की जानिब से दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। बेंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया शो का आज दूसरा दिन। शो के पहले दिन राफेल ने दिखाया अपना दम। नोएडा के वेव मॉल में सेक्स रैकेट का इंकशाफ। स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट का कारोबार। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में शदीद बर्फबारी। निचले इलाकों में कड़ाके की सर्दी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक ठेकेदार ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2580 मीटर लंबे पीक्यूसी सड़क बिछाने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शेयर बाजार में तेजी के सबब सोने की कीमतों में देखी गई कमी। कीमत 50,000 से कम। 5 फरवरी तक मर्कज की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कर सकते हैं सरमाए। हिंदुस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अंजुके रहाणे ने कहा, विराट कोहली हैं टीम के कैप्टन, मेरा काम उनकी मदद करना। इंग्लैंड सीरीज से पहले हिंदुस्तान के प्लेइंग 11 में दूसरे तेज गेंदबाज पर सस्पेंस बरकरार। दूसरे तेज गेंदबाज की जगह के लिए ईशांत और मोहम्मद सिराज के बीच टक्कर। म्यांमार की तानाशाह फौज को चीन का खुला सपोर्ट। चीन ने यूएनएससी में म्यांमार के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर लगाया वीटो। यूएनएससी में चीन ने दिया इंतबाह। कहा पाबंदी या बैनुल अक्वामी दबाव से म्यांमार में हालात और खराब होंगे। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील करने के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड ग्रुप ने बुलाई है हड़ताल।